हेलो एवरीवन, वेलकम टू बस किचन एट कंपनी। मैं अनम और आज हम आए हैं अपने रविशंकर मार्ग नासिक साइट पर, जहां पर हमारा एसएस किचन ट्रॉली विद गोदरेज चैनल फुल रेडी हो चुका है। तो देख लेते हैं इसका फाइनल व्यू। और आज के इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स में जानेंगे कौन सा लैमिनेट है, कितने एमएम का है, कौन से चैनल्स है और कितने इंच में है, और प्लस किसके कितनी कॉस्ट है। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि हम इसी डिज़ाइन के साथ और भी सिमिलर डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज वो सिमिलर फोटोज़ मैं वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। और इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिले। चलिए शेयर करते हैं आज की ये वीडियो। ये हमारा एल शेप का किचन है। यहाँ पे हमारा मेन कुकिंग काउंटर है और वहाँ पे हमारा सिंक है। तो स्टार्ट में कुकिंग वाले सेक्शन से करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा एल कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारे टू शटर्स गए हैं, तो यहाँ पे हमारा कॉर्नर में एलपीजी गया। और यहाँ पर आप इस तरह की वेल ट्रॉली भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके इसे इजीली मूव कर सकते हैं। अगर वेल ट्रॉली नहीं रहती तो फिर हमें वही, अगर सामने कुछ स्टोर किया है और हमें पीछे से एलपीजी निकालना है, तो वो सारी चीज़ों को बाहर निकालो, फिर एलपीजी निकालो, फिर रिटर्न एलपीजी रखो और फिर सामान को स्टोर करो। तो उससे बेटर है कि आप इस तरह की वेल ट्रॉली इस स्पेस पर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे टू शटर्स और यहाँ पे हमारी दो प्लेन बास्केट है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म है। जितनी नेसेसरी बास्केट है वो इस वाले डायरेक्शन में है, और ये एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म में हमारे क्लाइंट को जस्ट 5 बास्केट की और नीड थी, तो यहाँ पे 2 प्लेन बास्केट्स ले ली है। यहाँ पर इसमें सारे ग्लासेस है, और यहाँ पर 3 प्लेन बास्केट्स ले ली है इस तरह से। और जबकि यहाँ पे कड़प्पा है अंदर की तरफ से, पार्टीशन आ गया है, तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट ने 3 शटर्स ले लिए हैं इस तरह से। तो अगर आप चाहे, आपका इस तरह का स्टोर है, तो आप यहाँ पे वुडन का शेल्फ भी ले सकते हैं। हमारे क्लाइंट को वो नीड नहीं थी। अब इन फ्यूचर उन्होंने कहा है कि वो फर्स्ट टाइम ये किचन ट्रॉली मेकिंग कर रहे हैं, तो पहले वो इसका एक्सपीरियंस लेके, अगर उन्हें नीड रही, उन्हें ज़रूरत लगी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा शेल्फ की नीड है, तब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा शेल्फ ऐड करेंगे। अगर आप भी इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि किचन ट्रॉली बन चुकी है और वहाँ पर आप शेल्फ डालना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं, वो इजी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह का ब्लैंक स्पेस रखा है, पहले ये यूज़ कर लेंगे और नीड की ज़रूरत पड़ी तो फिर यहाँ पर हम शेल्फ ऐड करेंगे। यहाँ पर एक सिंगल डोर आ गया है और ये सब पूरा एक सिंगल है अंदर से, तो इतना बड़ा शेल्फ एक जा सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा कटलरी सेक्शन आ गया है। ये बास्केट भी हमारे सारे रिमूवेबल है, इजीली हम निकाल के इसे वॉश करके रिटर्न यहाँ पर रख सकते हैं। और इसके नीचे हमारी दो प्लेन बास्केट, यहाँ पर हमारी प्लेन बास्केट, और इसके ऊपर हमारी कप ससर बास्केट। कप ससर बास्केट में भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम लोग अपनी जितनी भी छोटी छोटी डिशेज रहती है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। छोटे छोटे बाउल्स, जैसे हमारे क्लाइंट अभी कर रहे हैं, अभी अभी जस्ट शिफ्ट हुए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी बाकी है अभी। और नीचे की साइड पे हमारी थाली बास्केट, और ये हमारा सिंक का सिंगल डोर, और यहाँ पे हमारा पुल आउट। तो ये हमारा मसाला पुल आउट है। और देखिए, मैं एक सजेस्ट आपको करना चाहूँगी कि अगर इस साइड से अगर आपकी वॉल आ जाती है, सपोज़ हमारा किचन यहाँ पे एंड होता है और यहाँ पे वॉल है, तो आप पुल आउट को उस कॉर्नर में मत आने दीजिए, क्योंकि आप इसे दोनों साइड से यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल आ जाएगी। तो पुल आउट अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो इस तरह का अगर ओपन स्पेस है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कहीं मिडल के पोर्शन में आप उसे ले लीजिए, ताकि आप उसे दोनों साइड से यूज़ कर सको। तो ये हमारा पूरा किचन का सेटअप है। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर कौन सा लैमिनेट यूज़ हुआ है, सारे मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो प्लाई यूज़ हुआ है, मैं वो भी बता देती हूँ, प्लाई की काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी हमारे एक बार क्लाइंट को। इसके अंदर जो होता है उसे हम प्लाई कहते हैं। इसमें जो प्लाई है वो BWP बॉयल वाटर प्रूफ का प्लाई है। बोथ साइड लैमिनेट होता है, इन साइड पूरा वाइट लैमिनेट होता है। जैसे आप अंदर से व्यू देखोगे तो ये पूरा वाइट लैमिनेट होता है इन साइड। आउटसाइड जो हम चॉइस करते हैं, जैसे ये 2 अल्टरनेट कलर्स में है, तो यहाँ पे हमारा रोज़ गोल्ड कलर है और वाइट, और ये हाई ग्लोसी है, जो हमारा स्पेशल लैमिनेट है 1 mm का, ये वो लैमिनेट है, हाई ग्लोसी विथ स्पार्कल और स्क्रैच प्रूफ।
अगर आप इसे क्लोजअप से देखोगे तो इसके अंदर काफ़ी हल्के हल्के स्पार्कल्स हैं जो कि काफ़ी हाइलाइट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे एलईडी या कुछ प्लान करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं और दिखने के लिए बहुत अच्छे दिखते हैं। और आप देख ही रहे किचन में ब्राइटनेस की बिल्कुल कमी नहीं है, दोनों साइड्स पर विंडो है। अभी भी मैंने एक विंडो बंद है और जस्ट एक डोर और एक विंडो का एक ही साइड का पोर्शन खुला है, तो भी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। उस अकॉर्डिंग जो हमारे क्लाइंट ने थीम चॉइस की है, जो कलर चॉइस किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप देख ही रहे हैं जो इसका लुक आ रहा है पूरे रूम को, क्योंकि हमारा किचन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। एग्जैक्ट डाइनिंग हमारे पीछे साइड पर है, तो उस हिसाब से जो स्पेस हमें मिली है और जिस हिसाब से कलर खुल रहा है, बहुत ही अच्छा है। और अब हम मटेरियल के ऊपर चले जाते हैं। जो हमारी गोदरेज की चैनल यूज़ हुई है, आप देखोगे तो पूरा डीप में है, और जितना डीप का हमारा किचन होता है उतनी ही डीप की ये बास्केट्स है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप किचन ट्रॉली मेकिंग कर रहे हैं तो ये देखना कि आपके किचन की डीप और बास्केट की डीप कितनी है। अगर 2.5 फीट की डीप है तो 2.5 फीट की ही बास्केट आना चाहिए, जबकि 1-2 इंच थोड़ा आगे पीछे होता है क्योंकि फ्रेमिंग बैक साइड से कवर लेती है स्पेस को, तो उस हिसाब से। और प्लस चैनल कितने इंच का है वो भी आप नोटिस कर सकते हैं। और रही बात हैंडल की, तो ये हमारे SSK D हैंडल है। और हिंजेस आपने हमेशा पता है कि हम SSK हिंजेस यूज़ करते हैं सॉफ्ट क्लोज में, तो हिंजेस सारी वही यूज़ हो जाती है। चैनल कस्टमाइज होता है अगर आप प्रीमियम चैनल के साथ जाते हैं तो, मीन्स नॉन ब्रांड चैनल, और आप जा सकते हैं हैटिज के साथ, गोदरेज के साथ। तो हमारे जो क्लाइंट ही गोदरेज के साथ गए हैं तो गोदरेज आपको 5 ईयर्स की वारंटी देता है। बाकी जो आप SS का मटेरियल देख रहे हैं, जो प्लाई देख रहे हैं, जो लैमिनेट आप देख रहे हैं, तो ये हमारी कंपनी मेकिंग करती है, बेस्ट किचनेट कंपनी, जिसकी आपको लाइफ टाइम वारंटी दी जाती है। और डिपेंड ऑन आप किस ब्रांड का चैनल यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंपनी आपको, जैसे गोदरेज, 5 ईयर्स वारंटी दे रही है। अब हम इसके कॉस्ट के ऊपर आ जाते हैं। जैसे आपने देखा ये पूरा हमारा एल शेप में है किचन, और काफ़ी बड़ा है। और इसके अंदर व्हील ट्रॉली, जो कि अभी आज साथ में ही आई है, तो वो व्हील ट्रॉली ऐड करते हुए ये पूरा बजट गया है 50-52,000 के करीब है। ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है, जिस हिसाब से आपकी साइजेस रहेगी, जिस हिसाब से आप मटेरियल चॉइस करोगे, उस हिसाब से ये अमाउंट प्लस माइनस में जाती है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और आज के इस वीडियो में बहुत सारी खास बात ये थी कि मैंने आज कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपको नोटिस करने चाहिए अपनी किचन ट्रॉली बनाते वक्त। और एंड में मैं आपको सिमिलर फोटोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी एल शेप के किचन के। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।